शराब, सिगरेट और लड़कियों के साथ मौज मस्ती का शौक पूरा करने के लिए एक छात्र ने व्यापारी पुत्र को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया। इसके लिए उसने इंटरनेट से सेक्सटॉर्शन की जानकारी जुटाई, फिर लड़की के नाम से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी तैयार की। इसके बाद व्यापारी पुत्र को झांसे मिला, बाद में उसे बदनाम करने की धमकी देकर पैसा वसूलता गया। लालच इतना बढ़ गया कि वह सीधे छात्र के व्यापारी पिता से पैसे मांगने पहुंचा। पिता की शिकायत पर सकरदरा पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी पिपला फाटा चौक हुडकेश्वर निवासी रौनक प्रभु वैद्य बताया गया है। रौनक बीबीए के द्वितीय वर्ष में पढ़ता है। उसने अपना अवैध शौक पूरा करने के लिए 20 वर्षीय व्यापारी पुत्र को फंसाया था। रौनक ने मृणाली अरोरा के नाम से पहले इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई, फिर व्यापारी पुत्र को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट के बाद चैटिंग शुरू हुई, दोनों ओर से मोबाइल नंबर शेयर हुआ, फिर दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई। रौनक व्यापारी पुत्र से लड़की की आवाज बात करता था। बातों में फंसाकर रौनक ने व्यापारी पुत्र को निर्वस्त होकर फोटो भेजने के लिए मना लिया। बातों में आकर युवक ने अपनी कुछ फोटो भेज दी। इसके कुछ दिन युवक को रौनक की तरफ से कॉल आया, जिसमें पैसे न देने पर न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। इसके बाद रौनक ने युवक से पहले 1500 रुपए लिए। इसके बाद किस्तों में पैसे वसूलने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। हेड कांस्टेबल प्रकाश वानखेड़े, गोविंद देशमुख, किशोर हाथे, मनोज द्विवेदी और रोहन चौधरी ने रौनक को पकड़ने के लिए शिकायतकर्ता के कार्यालय में जाल बिछा लिया। जैसे ही रौनक पैसे लेने के लिए कार्यालय आया, पुलिस दस्ते ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग कर फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए रौनक काफी पैसे उड़ाता था, इसी वजह से उसने अपने दोस्तों से भी उधार लिया था। विगत 12 जून को पैसे के विवाद में दो दोस्तों ने रौनक की बुरी तरह पिटाई भी की थी। उसके खिलाफ हुडकेश्वर थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। पुलिस स्टेशन सकरदरा थे, दिनांक 31/8/21 रोजे, अपराध नंबर 435/21, कलम आहे 82384 आणि त्याच्यामध्ये 66 ही देखील वाढ केलेली आहे आज रोजी। तर फिर्यादी आहे विशाल सुधाकर पाटील, फ्लॅट नंबर 23, दत्तात्रय नगर, पोलीस स्टेशन सक्करदरा अंतर्गत येतात। यातील फिर्यादीचे मुलगा, पीडित मुलगा आहे सुधांशु, त्याला त्याचे काही दिवसापूर्वी इंस्टाग्रामवर एक रौनक नावाच्या मुलाशी इंस्टाग्रामवर तन्वी नावाच्या मुलीशी मैत्री झाली होती। त्यानंतर त्यांनी त्यांचे बोलणं वगैरे सुरू झाले, चॅटिंग सुरू झाले, त्याच्यानंतर त्यांचे मोबाईल नंबर देखील त्यांनी हे केलेले आहेत, एक्सचेंज केले। त्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाले, प्रेम प्रकरण वाढले आणि त्यात आरोपीने त्या फिर्यादीच्या मुलास म्हणजे पीडितास की मुलीचा आवाज काढून त्यांच्याशी वेळोवेळी पैशाची मागणी केली। त्यानंतर त्यांनी त्यांना आपण मला आपले न्यूड फोटो पाठवा वगैरे त्या असं झालेलं आहे। 50,000 रक्कम मागितल्यामुळे फिर्यादीचा मुलगा घाबरल्यामुळे त्याने त्याची माहिती त्याच्या वडिलांना सांगितली। त्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन सदर घटनेची माहिती देऊन त्याप्रमाणे 82384 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। जब रौनक युवक से और पैसे लेने में असमर्थ रहा तो वो सीधे उसके व्यापारी पिता के पास पहुंच गया। उसने बताया कि आपका बेटा मेरी चचेरी बहन के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है, अपने अश्लील फोटो भेजता है। उसके खिलाफ पुलिस ने शिकायत करने की धमकी देकर पिता से 50,000 रुपए की मांग की। पीड़ित युवक के पिता ने उसे पैसे देने का आश्वासन दिया और अपने कार्यालय में मिलने बुलाया। इसके बाद उसने बेटे से पूछताछ की तो रौनक द्वारा ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। पिता ने अपने पुलिस के एक मित्र से सलाह लेकर सकरदरा पुलिस से शिकायत की। इंस्पेक्टर धनंजय पाटिल ने टीबी स्क्वाड को जांच के निर्देश दिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।